FM पर आप सुन रहे हैं तुम्ही ऐकत आहात नागपूरचा आपला फेवरेट रेडिओ स्टेशन 92.7 बिग एफएम. मी आहे तुमची सोबत आरजे निशा आणि मेरे साथ में आज शाहिद शरीफ सर जुड़ चुके. चलिए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि फेक डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने के बाद जो एप्लीकेशन इनके पास सामने आई है, नाउ व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर देम? देखिए, एक्शन प्लान ऐसा है कि कईयों ने तो अभी जब मैंने वेरिफिकेशन किया तो उन्होंने खुद से सरेंडर कर दिया कि सर हम नहीं लेंगे. तो अब इसमें एक्शन होने की बात यह है कि हम तो जैसा अभी कोविड के वजह से स्कूल की तरफ भेजा है, स्कूल से जब वेरिफिकेशन होगी हमारे पास आएगा तो हमारे पास में जो डेटा है हम तो तुरंत ही डिलीट कर देंगे उसको. हमने सीधा 3-4 लिस्ट बनाई है, वेटिंग लिस्ट. जैसे ही ये जैसे हम एडमिशन, जैसे हम 15 एडमिशन कैंसिल करेंगे तो जो 15 लोग पीछे पहली सूची में है वो आगे आ जाएंगे. फिर उसके बाद फिर वो 15 को चेक करेंगे, उसमें से 8-10 कुछ फर्जी निकले तो फिर बाकी के वो 8-10 आ जाएंगे. तो ऐसा करके हमने कोई भी पेरेंट को भ्रमित नहीं लगा कि आपका एडमिशन, बस वेटिंग लिस्ट वाले जो है वो वेटिंग करेंगे और उसको बेनिफिट होगा, जब कैंसिल होगा तो उनको जरूर मिलेगा. हम बच्चों से कितनी आसानी से ये बात समझाते हैं, किताबें पढ़ाते और कहते हैं कि बच्चों जिंदगी में संघर्ष करना सीखो, झूठ मत बोलो, लेकिन क्यों हम अपने बच्चों की पहली बुनियादी सीढ़ी ही झूठ से शुरू कर रहे हैं? ये सवाल उन सारे पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स भरकर आरटीई के थ्रू एडमिशन्स लेने की कोशिश की है. वेल, ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ इसी बात के साथ, क्योंकि फिलहाल मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया इसी वादे के साथ कि